हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद और आज मैं आपको लेके चलता हूं कैशू प्लांटेशन में। तो फ्रेंड्स, कैशू प्लांटेशन कोंकणी एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। हर घर के बागीचों में ये पेड़ आपको लगा मिल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कुछ कच्चे हरे और कुछ पके हुए कैशू फ्रूट्स। जो लाल वाले हैं वो पक चुके हैं, इनको तोड़ा जा सकता है। इनका अगर आप देखेंगे तो फल के नीचे तोते की चोंच जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, असल में वही काजू है। आपको मैं दिखाऊंगा अभी फल तोड़कर। तो फ्रेंड्स, ये हमने दो फल तोड़े हैं। आप ये देख भी रहे हैं कि काजू किस तरह से नीचे इससे अटैच्ड है और ये जो फल है ये बहुत ही जायकेदार होता है, इसको खाया जा सकता है। बहुत जूसी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, सही मायनों में इसको च्यू करके जब जूस आ जाता है तो उसको स्पिट कर देना होता है। और इस तरह से हमने ट्विस्ट करके ये काजू निकाल लिया है। और जब ये बहुत सारे कलेक्ट होते हैं तो इनको मिल में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ये हमारे पास ये फल आ गया है। और गोवा में तो इसकी बहुत ही फेमस ड्रिंक बनता है फेनी। और ये देखिए कितना जूसी है फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए। थैंक यू।